गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है रत्न पाठक सुभाष खान। अगले दिन आपको जो है 1, 2, 3 को श्लोक का लिखाया गया था। आज आप पुनः ध्यान दें, श्लोक के आपको आपने एक दो बार समझा दिया था, फिर भी आप श्लोक के आपको ध्यान दें एक बार फिर से। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च तज सूची भरे। धन धान प्रयोगेश, यानी धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रह सूचक यानी विद्या की कमाई, अर्थात विद्या की विद्या को अध्ययन करने में, भोजन आहार व्यवहार च भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच यानी लज्जा त्याग करने वाला व्यक्ति सुखी भवे यानी सुखी होता है। दूसरा है क्षमावसी कृते लोके क्षमया किं साध्यते शांति खड़ करे यस्य किं करसे योजना। क्षमावसी कृते लोके माने संसार में क्षमा से हम दूसरों को वश में कर लेते हैं। क्षमया किं साध्यते माने ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। शांति करे अस्तर हाथ, यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो उसका उसका भोजन व्यक्ति यानी दुष्ट आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको श्लोक का समझाया गया था, अब आप इस श्लोक के आपको कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद आप अभ्यास कार्य को लेंगे, तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान सस्व गायन, यानी सभी श्लोकों को आपको सस्व यानी इसको एक तरह से लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद दूसरा है यथायोग्यम श्लोकांश, यथायोग्यम श्लोकांशानां मेलय, इसमें क ख दो दिया हुआ है, इसको आपको मिलाना है। तो देखिए हम बतला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, यथायोग्यम यानी यथायोग्य श्लोकान यानी श्लोक का जो अंश है उसे आपको मिलाना है। तो श्लोक आपने ध्यान दिया होगा, तो पहला श्लोक क्या है इसमें जो दिया हुआ है धन धान्य प्रयोगेशु, आई बात समझ में। तो धन धान्य प्रयोगेशु माने धन और अनाज के प्रयोग में, समझ में आ क्या मिलाएंगे, विद्या संग्रहेशु और विद्या का संग्रह करने में यानी अध्ययन करने में। दूसरा है विषमय न ही कर्तव्य माने आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्न सेकंड में जाएंगे बहुरत्न वसुंधरा। तीसरा है सत्यन आते पृथ्वी माने अर्थात आपको समझ आया होगा हो कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्यन तप्य माने सत्य के द्वारा ही सूर्य रवि माने सूर्य तब रहा है, इसमें मिलाएंगे सत्य धाते पृथ्वी सत्य तत्ते रवि। अगला है सत्यवान मैत्री च नाशक किंचिता चरे। लास्ट है आहारे व्यवहारे च माने आहार और व्यवहार में आहारे व्यवहारे च त्यज लज्जा सुखी भवे माने जो आहार और व्यवहार में लज्जा को त्याग करता है वही सुखी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको ये श्लोक दिए गए हैं और श्लोक का अंश कौन दिया हुआ है उसको आपको मिलाना है खास है, तो आप उसको इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम। तीसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम, उत्तर माने एक पद में आपको उत्तर देना है
जिसमें क ख ग घ अंग दिया हुआ है, वे आपको समझा रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। समझाएगा एक पदे उत्तर एक पद उत्तर देना है, आधा प्रश्न है। क पृथ्वीयां कति रत्नानि, आपने पढ़ा प्रश्न हो गया दोबारा। पृथ्वीयां कति के स्थान पर जो कति लिखा हुआ है इसके स्थान पर आप त्रिवेणी लिखेंगे। त्रिवेणी तो समझ क्या हो जाएगा, पृथ्वीयां कति रत्नानि, तो आप पूरा सेंटेंस लेना चाहेंगे तो पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि, आइएगा समझे। दूसरा है मूढ़ पुत्र रत्न संज्ञा भी देते, मूढ़ माने मूर्खों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी जाती है, इसका उत्तर पाषाण खंडेश, पाषाण मूढ़ पुत्र रत्न संज्ञा विधेयते, सो पुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे पाषाण खंडेश, तो ऐसा क्या बन जाएगा, मूढ़ पाषाण खंडेश रत्न संज्ञा विधेयते। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी केन धारयते, केन के स्थान पर आप सुन रहा, तो पृथ्वी अभी आपने पढ़ा हुआ सूर्या हुआ सत्यन, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सत्यन, तो ऐसा सूर्या क्या बन जाएगा, पृथ्वी के धारयते, तो केन के साथ आप देखेंगे सत्यन क्या बन जाएगा, पृथ्वी सत्यन धारयते। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, कै संगति पूर्वी माने किसकी संगति करनी चाहिए, तो सद्धि यानी सज्जनों की संगत करनी चाहिए, लोके वशीकृति का, तो का के स्थान पर यहां पर कह के स्थान पर आप लिखेंगे, और यहां पर है लोके वशीकृति का, तो यहां पर आप लिखेंगे क्षमा, क्षमा लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा लोके वशीकृति क्षमा, इस तरह से आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और उसके बाद अगला है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण होता सत्येन वाति वायु, तो सत्येन याद लिखिए जो रेखांकित दिया गया है सत्येन, इसके स्थान पर आपको प्रश्न के शब्द लिखना है, यानी आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अभी आपको क्या दिया गया था, यहाँ प्रश्न दिए गए थे और इस पर आपने उत्तर लिखा, अब यहाँ आंसर दिया हुआ है उससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो सत्य के स्थान पर हो जाएगा केन। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर चार, जो सत्य लिखा हुआ है उसके स्थान पर हो जाएगा केन, आई बात समझ में, तो क्या बन जाएगा केन वाति वायु सदवी एव साहसी, तो यहाँ हो जाएगा कै, ये कम हो जाएगा, यहाँ कम यहाँ क्या देंगे कर सकते हैं, समझ आ रहा है सदवी का वायु कै हो जाएगा। इसके बाद ग को ध्यान दें, क्या हुआ है वसुंधरा और रत्ना भवती, वसुंधरा यानी पृथ्वी, तो इसके साथ आपका हो जाएगा का, इस तरह की शब्द है का की कहानी ध्यान देंगे। उसके बाद विद्याया संग्रह लज्जा सूची भवे, तो करा है कि विद्या का संग्रह करने में लज्जा जो छोड़ देता है वो सूची होता है, तो यहाँ कश्या ध्वन हो जाएगा कश्या। और उसके बाद लास्ट है अंग सभी मैत्री पूर्वी, यहां हो जाएगा का,
आई सही में। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5-6 ये हम आपको अगले टर्न पर देंगे। थैंक यू।